बाल दिख रहे हैं कितने बड़े बड़े हो गए, कटवाने पड़ेंगे यार इनको भी। एक सबसे ज्यादा मजा भाई ऑर्गेजम से मिल जाता है। ओहो कान साफ करने में बहुत मजा भाई, बहुत बहुत। तो अभी एक वीडियो शूट करके हटा हूँ जो कि आपने देख ली है। तो अभी क्या सीन है कि बाल कटवाने थे तो मोदी था ना उस भाई को घर पे लेके आया हुआ है अपना, इंडिया का ही है वो, यहाँ पे काम करता है। सो दिल्ली का आई थिंक वो, तो उससे मिलवाता हूँ आपको और जाके बाल भी कटवाता हूँ। थोड़े बहुत कानों पे भी आ गए, मतलब ये कानों पे आते हैं ना तभी मेरे को परेशान करते हैं, वरना और एक ये थोड़े तो ये परेशान कर देते हैं, तो अभी जाके बाल कटवाते हैं ठीक है। हाँ तो अभी साइड भाई खड़ा है तो भाई से मिलवाता हूँ, उसका नाम आप ही पूछ लेना। हाँ तो नाम क्या भाई आपका? मेरा नाम आसिफ, मोहम्मद आसिफ खान। और आप दिल्ली से हो ना? हाँ मैं दिल्ली सागरपुर से हूँ। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को 1.5 साल हो गया यहाँ पर। 1.5 साल मतलब ठीक चल रहा काम? हाँ ठीक है, बस लॉकडाउन में ये तो ऊपर नीचे चल ही रहा है। तो भाई एक नंबर का बंदा है सच में, मतलब कि मस्त बंदा है पूरे हो जाते हैं बात करके भाई के साथ। और अभी कटिंग कराते हैं और काम भी अच्छा करता है ठीक है। अगर कोई इस एरिया में रह रहा है तो भाई के पास आ सकते, जेनुइन प्राइस। अगर कहीं बाहर जाओगे तो 100 रैंड वगैरह लेंगे कटिंग कटिंग के, मतलब कि 500 रुपये की तो कटिंग हो जाएगी और भाई के साथ बहुत कम है, आप जाके आपको पता भी लग जाएगा ठीक है। तो भाई ने बाल बाल काट दिए, वैसे मस्त काम हो गया है और अब जाके नाना है। बाल बाल तो कटा लिए हैं ठीक है, मतलब कि मस्त एक नंबर लगता है मेरे को बंदा, जैसे बोलोगे ना वैसे काट देगा। और घर पे ही आया हुआ था, मैं बताया था कि मुझे लेके आया था तो घर पे ही आया था, यहीं पे काम हो गया। वही भाई को पैसे करा देते हैं और मुझे इसको छोड़ के आ जाएगा ठीक है। अब इनका भी काम थोड़ा यार स्लो चल रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के वो लेके, मतलब शॉप भी खुलती नहीं है तो आते भी नहीं है बंदे इतने, लेकिन ठीक है अब जाके नाना है मेरे को। तो ना धो लिए और अब बताओ कि कैसे लग रहे हैं बाल ठीक है ठीक है ना, मतलब कि कितना, मतलब टोटल इसका 60 रेंट दिए, मतलब कि ये हो गया आपके 300 के करीब। मोटा मोटा राउंड करें तो मतलब कि 5 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डायरेक्ट, क्योंकि अभी रेट चल रहा है 4.30, बट हम 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 5 मैक्सिमम रहता है, तो इसलिए ज़्यादा झंझट नहीं ठीक है। तो जल्दी कमेंट करके बताओ कि कैसे लग रहा है आपका भाई ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं लेने की, ज़िंदगी एक बार मिली है खुश रहो सभी ठीक है। तो बाल बाल कटा लिए हैं, आज की जो वीडियो है ना, मतलब कि आज का जो शूट किया है, क्योंकि आज मैंने वो भी शूट कर लिया था जो आपने वीडियो देखी कल, तो जो बाकी का है वो कल वाला दिन भी इसी में डाल दूंगा, मतलब मिक्स कर दूंगा 2 दिन को, 30 और 31 को मिक्स कर दूंगा ठीक है। उसके बाद एक आ जाएगी फिर स्कूल में जाके थोड़ा बहुत स्कूल में वीडियोज़ बनाएंगे मस्त मस्त इंस्ट्रक्टर के साथ में, और आपसे इंट्रोडक्शन कराएंगे सबका ठीक है। टेंशन मतलब मस्त मस्त वीडियो आने वाली है अभी फ्यूचर में, मज़ा आ जाएगा, मतलब फ्लाइंग की वीडियोज़ आएंगी, इंस्ट्रक्टर के साथ वीडियोज़ बनाएंगे, व्लॉग्स आएंगे, तो चैनल पे तहलका आने वाला है ठीक है, तहलका मचा देंगे, यूट्यूब को हिला देंगे। अब 24 सेकंड बची हैं, लॉन्च होने वाला है, देखो अभी। Stage 1 tanks pressing for flight. T-minus 15 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug. America has launched. One alpha. It's so right. तो ये चीज भाई साइंस मतलब बोलते हैं ना कि साइंस का कोई जवाब नहीं यार, सच में इतनी मस्त है ना ये। अगर आपने देखा नहीं तो शायद मैं भी इनकी लाइव है ना कल भी देख सकते हो, मैं भी सेव रहे, लेकिन जिसने देखा नहीं ना भाई ज़रूर देखना एक बार यार, वो फीलिंग मतलब टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे इतनी ऊपर चली गई है ना, आप देखोगे ना गूज़बम्स आपके खड़े हो जाएंगे, मतलब इतना अच्छा व्यू है। और ये इनका एक स्पेस स्टेशन है ऊपर स्पेस में, तो उस स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं 2 बंदे जा रहे हैं इसमें, जो इसमें 2 पार्ट हैं, एक पार्ट जो ऊपर का पार्ट है ना वो स्पेस स्टेशन जाएगा, जिसमें 2 पर्सन बैठे हुए हैं, उसको ड्रैगन है जो ड्रैगन बोल रहे हैं, ड्रैगन नाम ऊपर वाले पार्ट का, जो नीचे वाला पार्ट है ना फाल्कन 9 पार्ट है, वो पार्ट डिटैच होके वापस से लैंड होके आएगा, उसका काम है कि ट्रांसपोर्ट करना ठीक है। तो ये चीज़ है, तो मतलब टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे इतनी आगे जा चुकी है ना, मतलब साइंस बोलते हैं ना भाई इसका कोई मुकाबला नहीं है, मतलब इंसान कुछ ना कुछ नया करना चाहता है लाइफ में, अपने लिमिट्स को हमेशा पुश करना चाहता है, अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ सीख रहे हैं हमेशा। और भाई ये मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप देखोगे ना उसको मजा आ जाएगा ठीक है। Falcon stage separation confirmed. And there you can see on your screen, Falcon
Falcon 9 has landed. आज डेट है 31st, कल से स्कूल शुरू हो रहा है, परसों सभी एक्सपायर हो रहा है। हाँ तो देखो सुबह सुबह का मौसम है, बाहर बैठ के आ जाता मज़ा, मतलब धूप में पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी आसमान देखो, आसमान में पूरा नीला आज भी, मतलब कि सर्दियों में है ना, अगर आप आओगे ना फ्लाई करने में बहुत मज़ा आ जाता है, मतलब सर्दियों में ऑलमोस्ट फ्लाइंग होती है, मतलब कि चलती रहती है, डेली फ्लाइंग होती है, लगा लो वेदर अच्छा रहता है, विंड इतनी नहीं चलती, तो मस्त फ्लाइंग होती है सर्दियों में। एक बार आप ऊपर देखो, मैं पीछे से दिख रहा है लेकिन एक बार पूरा दिखाता हूँ आपको। सो मस्त वेदर हो रखा है ना, जब भी ऐसा वेदर देखता है ना, मतलब मेरा भी मन करता है कि चलो फ्लाई करने चलते हैं, अभी चलते हैं फ्लाइंग करने। तो कल से स्कूल खुल रहे हैं, और स्कूल जाने के बाद मस्त मस्त लोग लेके आएंगे, प्लस में वीडियोज़ लेके आएंगे एविएशन से रिलेटेड। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और एक चीज़ और बतानी थी आप सभी को कि है ना, स्कूल की तरफ से भी कन्फर्मेशन आ गया था, जो स्कूल की तरफ से मेल आया था वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो देख लो पढ़ लो जो भी है। तो स्कूल की तरफ से भी कन्फर्मेशन आ गया था कि कल से स्कूल रीओपन हो रहे हैं, मज़ा आ गया। आज जो टाइम हो रखा है, टाइम शाम का 5:30 के करीब हो रखे होंगे, मेरे को लगी थी अभी भूख, तो सोचा कि रात को खाना बना लेते हैं, वैसे भी अंधेरा होने वाला है, सर्दियों का टाइम है, अभी जाके चूरमा बनाना सिखाएंगे कि चूरमा कैसे बनाते हैं वो, ठीक है। हरियाणा की डिश है आपको पता होगी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है दाल चूरमा खाना, तो दाल बनाएंगे और चूरमा बनाएंगे। बेसिकली चूरमा मैं बता देता हूँ नॉर्मल सा कि होता क्या है, हम आटा लेके उसको गूंथते हैं, उसके बाद रोटियाँ बनाते हैं, मोटी रोटी बनाते हैं, लेकिन मोटी रोटी में हम डालते हैं शुगर डाल के उसको ऐसे, मतलब कि एक साथ डाल के बंसा कर देते हैं ऊपर से, ठीक है, जैसे मोमोज टाइप ऊपर से हो जाते हैं ना बंद, तो उसी तरीके से बंद से हो जाते हैं ऊपर से। बंद होने के बाद उस पर हम 3-4 रोटी जितनी का भी बनाना आपको, ऐसे मोटी मोटी 3-4 रोटी में डाल के शुगर उसको रख दो, और रखना क्या होता, जैसे आपके सारी रोटियां बन जाए या फिर कोई अलग से है बंदा आपके पास, तो साथ साथ में वो उनको चूर सकता है, मतलब कि चूरना इन द मीन सेंस कि क्रश करनी है वो, ठीक है, क्रश करनी है, क्रश करके मतलब उसके बाद घी डालना उसमें, आपकी मर्जी के हिसाब से घी डालो, अगर कम चाहिए आप तो कम डाल सकते हो, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हो, मर्जी आपकी है, वो डाल के और उसके बाद उसको खाते हो, क्रश जो चपाती हो जाती है ना उसको खाते हैं, ठीक है। और दाल के साथ खाओगे तो एक नंबर का लगेगा भाई, मस्त मज़ा आ जाता है। और हमारे साइड में बहुत बनता है, मतलब कि फ़ैन है सब इस चीज़ के, तो आज आपको भी सिखाते हैं, आप भी फैन हो जाओगे, ठीक है। एक ओनियन लेंगे, एक टमाटर, 2 मिर्च, अब इससे दाल का छोक लग जाएगा, कार्डबोर्ड हो गया, चाकू हो गया सर, ये तो हो गया। कुकर रख के ऑयल डाल के अपनी दाल बना लेंगे, साथ में आटा आ गया है, और आटा लगा के काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुकर हो गया, ऑयल डाल दिया, दाल इसमें कम हो जाएगा मेरे को, जीरा इसमें पानी डाल देंगे, तो थोड़ा उबलने देते हैं, उसको बंद कर देंगे और सीटी मरवा देंगे, 5 इसमें डाल देंगे अपना आटा जितना आपको बनानी है, थोड़ा और डाल लेता हूँ, सुबह भी काम आ जाएगा ना खाने में। अब लग रहा है ज़्यादा हो गया, इसको निकाल देता हूँ, अब ज़्यादा ही लग रहा है सच में, आई थिंक ये इनफ होगा मेरे लिए। अब डालते हैं नमक, अब इसको भूनते हैं, पतला हो गया भाई, ज़्यादा पानी डल गया इसको। ये हो गया अपना जो आटा एक्स्ट्रा लगाने के लिए, आटा लगा दिया, चकला बेलन, तवा सेट है, इसमें बनाऊंगा डाल के, इसमें तब तक रोटी रख लूँगा क्योंकि एक बार सारी साथ में बनानी है, तो इतना आटा ले लेना ताकि मोटी रोटी बने, ठीक है। इसको अच्छे से गोल कर देगा, बच गया एक्स्ट्रा, तो इसकी कल रोटी बना लेंगे सुबह भाई। शुगर इसको ऐसे रख देंगे भाई, शुगर थोड़ा देख के डालना, कहीं ज़्यादा डाल दो और बाद में बोलो बहुत मीठा हो गया, तो जितना अपने हिसाब से खानी है उतना डाल दियो। और ये है अपना घी, और ये गरम गरम ही चूरना है, मतलब कि कर्श करना है, ठंडा होने के बाद नहीं होगा, गिर गया यार, अपने हिसाब से घी डालियो जितना, लेकिन चूरने के लिए थोड़ा ठीक है, ये भी नहीं है कि बिल्कुल सूखी छोड़ दो रोटियों को। ओहो जल गया रे, ओह चढ़ गया, पत्ता जड़ा जमा,
भाई हरियाणवी वर्ड है ताता, मतलब कि गरम गरम है बहुत। पूरे हो गए भाई आज तो। मम्मी आप पहले उड़ा के चूरमा खा रहे हैं यहाँ पे, टेंशन मत लियो घर पे, वो तो ठीक है ना, मस्त मजे में हैं, आराम से खा पी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ तो रेडी हो गया अपना चूरमा दाल और ये यहाँ पे है दोनों प्लेट में, घी को वापस जाके रखना है। तो अभी जाके काम क्या मेरा, खाना अच्छे से और वीडियो एडिटिंग करनी है, जो अभी शूट कर रहा हूँ उसको एडिट करूँगा, ठीक है। तो अभी तक तो आपने वीडियो देख ही ली होगी और तब तक आप लास्ट तक देखिए ना, लास्ट तक देखिए तो मतलब अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देने जाना और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और भाई अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो, जाके मेरा तो आज का हो गया, कल स्कूल वगैरह खुलते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता कल, अगर स्कूल जाना होगा तो आपको लेके चलेंगे साथ में, टेंशन मत लो, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम, जय हिंद गाइस।